इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी रिहायशगाह पर हम ख्याल मुस्लिम लीग के सरबराह सेनेटर सलीम सैफुल्ला और हुमायूं अख्तर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अब तक फैसला नहीं किया है कि उनको किसी के साथ चलना है या सोलो फ्लाइट करना है। हम इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे, मुस्लिम लीग को मुत्तहद करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम फौज के साथ हैं, फौज हमारे साथ नहीं। अगर बिलावल को सियासत करना है तो इसे भी मुस्लिम लीग में आना होगा। भाई हम इलेक्शन के लिए तैयारी नहीं कर रहे, मुस्लिम को कर। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम लेता है, वो फौजी मुस्लिम लीग है, अब कौमी मुस्लिम लीग नहीं है। सलीम सैफुल्ला का कहना था कि हम इख्तदार के लिए नहीं, मुस्लिम लीग को मुत्तहद करने और पाकिस्तान को बहरान से निकालने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि 10-12 दिन में लाहौर में मुत्तहदा मुस्लिम लीग का जलसा होगा। मुत्तहदा मुस्लिम लीग का मरकजी ढांचा बना लिया गया है और अब सूबाई ढांचे की तश्कील होगी, क्योंकि वक्त आ गया है कि मुत्तहदा मुस्लिम लीग अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान को फिर मुस्लिम लीग की जरूरत है। मरकजी तो एक हमने ढांचा बना दिया है, लेकिन अब वक्त आ गया कि चूंकि काम तो सारे सूबों ने करने, तो सूबाई ढांचा जो है वो भी उसकी भी तश्कीलें ना हो। अगले 10-12 दिन में लाहौर में एक मुत्तहदा मुस्लिम लीग का जलसा करने वाले हैं। उनका कहना था कि चौधरी बिरादरान से अच्छे रابطے हैं और जफरुल्ला जमाली भी मियां साहब और चौधरी बिरादरान से रابطے में। कैमरामैन वकार खान के साथ शमील अहमद, वक्त न्यूज़ कराची।